नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद पौष्टिक आहार नहीं हो रहा नसीब। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के पश्चात दिए जाने वाले तमाम सुविधाएं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों वंचित रह गए हैं। ये भी बता दें कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को उनके सेहत के अनुसार दिए जाने वाले सभी पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके कारण अब घर वालों को ही घर से खाना लाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर घर वालों के हिसाब से डिलीवरी महिला को खाना खिलाया जाता है तो उनके स्वास्थ्य पर तो अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा ही, उनके साथ ही साथ उनके बच्चे पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ने की संभावना है। वही सोचने वाली बात यहीं पर आता है कि आखिरकार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार आखिरकार उनका बजट जाता है तो जाता कहाँ है। ना तो किसी महिला को यह पौष्टिक आहार के रूप में किसी प्रकार का कोई फल वितरण किया जाता है और ना ही कोई पौष्टिक आहार वितरण किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहीं पर होता है कि आखिरकार सरकार के द्वारा दिए जाने वाले बजट क्या नवागढ़ उत्साह से केंद्र से ऑटोमेटिक पैसे आवंटन हो रहे हैं या फिर उनका दुरुपयोग कर निकाल दिए जा रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ राज्य भाटा से बालेश्वर के नवागढ़ के रमान भाई का हो बता तो खाना वाना नहीं मिले है। कहाँ है सभी? हॉस्पिटल में। कहाँ के? नवागढ़ के राजा के मिले है। ये डिलीवरी वाली मतलब घर ले नहीं बोले हम उनका। मैं नवागढ़ के यहाँ गणपत का परेशानी हो गया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मोर लड़की ला लेके आए हैं तो ओला खाना मोर घर से डिलीवरी पेट में ना रहे तो 3:30 बजे रात के हो है। कब के लड़का अनेक कार रात के जानेगा तो ओकर अब हम दो दिन बाद खाना ना रहे ओला तीनों दिन दो दिन में कब खाना ला रहा तो मैं मोर भाई बा एक दिन में कूपन हॉस्पिटल में मिलते के है का? हाँ खाना से ला रहे दो दिन खाना बा तो दो दिन बा जैसे मरीज बैठी दे तो हॉस्पिटल में ऐसे कहे ना मन जानत रहा पहले से हो और तब दो दिन बा लेके आ रहे हैं तो ओला तीनों दिन बहाट के खाएंगा मतलब हाँ कैसे खाए हैं धूरा खाए का दे अब तीनों झीन दो झीन के तीन झीन खाए नहीं वो हो कम खाए लाहन तेल खिलाए हन कहन तो हां कैसे खाया ओ घर ले ना रहे तेल खमाए नो हो लगा हॉस्पिटल से कोई कूपन नहीं मिले। हां भैया आप बताइए क्या समस्या है बताइए। समस्या यह है सर, ये मेरा बरसाला है आदरणीय गणपत राम जी थीवर नवगढ़ वाले, मैं भागीरथी थीवर राजा भाटा में रहता हूँ, मैं उसका बहनोई हूँ। मेरा बरसाला का लड़की है वो यहीं पे नवागढ़ हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है 3:30 बजे रात को। कब? आज की कल? ये जो दिन गए उसमें रात गए उसमें। और हम तो समझ रहे थे कि भाई इसका कूपन मिलता है, हमारे और बहू भी थे और बेटी भी थे यहाँ पे डिलीवरी हुई है उसके लिए कूपन मिलता था, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे एक आदमी का कूपन मिलेगा तो दो तीन आदमी हैं ये लोग तो दो आदमी के लिए मैंने खाना बनवा दिया घर में, एक आदमी को लिए घर में खाना खिला के ले आया, एक आदमी के लिए टिफिन ले आया। लेकिन यहाँ पे पता किया हूँ तो यहाँ पे कूपन नहीं दे रहे हैं, तो जो एक आदमी लाया है उसी को बांट बिराज कर मरीज लोग खाए हैं भाई, यही समस्या है। मैं शासन से इस माध्यम से मैं शासन से अनुरोध करता हूँ, जितने भी मरीज आ रहे हैं नवागढ़ हॉस्पिटल में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं डिलीवरी पेट वाले, मैं शासन से करवत प्रार्थना करता हूँ कि उसको भाई सही सलामत भोजन की व्यवस्था किया जाए।